करेंगे 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं एंड हाउ वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूं। और अगर आप पीडीएफ स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ ये कौन है? तो ये कंपनी है बायोकॉन, उसी की ये संस्थापक हैं और इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसी से सम्मानित किया गया है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित होने वाली ये चौथी भारतीय बन गई हैं। इसके अलावा किरण मजूमदार शॉ को रिसेंटली एक और अवार्ड भी दिया गया था, ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019, तो ये भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? तो 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है वासुदेव मोहे को। वासुदेव मोहे को इनके लघु कथा संग्रह जिसका नाम है चेक बुक, इसी के लिए चुना गया है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, वासुदेव मोहे का नाम भी याद रखना है और इनके लघु कथा संग्रह चेक बुक का नाम भी याद रखना है। अच्छा, ये तो 29वां सरस्वती सम्मान है। वैसे सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये के विड़ेला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। तो 29वां वासुदेव मोहे को दिया जाएगा, 28वां वाला किसको दिया गया था? तो 28वां सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को दिया गया था, उनकी कविता संग्रह है पक्का की ऑटीजी लाइट के लिए। और 27वां सरस्वती सम्मान शीतांशु यशस चंद्र को दिया गया था, उनकी रचना वाखर के लिए। तो सारी चीजें याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लेंगे, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये डिब्रूगढ़ को दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अभी डिब्रूगढ़ ये कहां का जिला है? तो ये असम का जिला है डिब्रूगढ़, जिसे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यानी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। और मैं बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी 2020 में एसएससी सीजीएल के प्री के जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप चोरी ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड जीता है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम्स में बन चुका है, तो ये जीता है सुचेता सतीश ने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अच्छा, सुचेता सतीश, ठीक है, सुचेता सतीश को चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड दिया क्यों गया है? इनके पास एक अद्वितीय कला है, ये 120 भाषाओं में, दुनिया की 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिलहाल ये दुबई में रहती हैं लेकिन ये एक भारतीय नागरिक हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बन भी चुका है और आने की भी पूरे पूरे चांसेस आपके रहेंगे। वैसे ये चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड जो है ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो अद्वितीय प्रतिभा वाले बच्चों को, सिंगिंग में, डांसिंग में, आर्ट में, उन बच्चों को दिया जाता है जिनके पास अद्वितीय प्रतिभा होती है। तो ये दिया गया है सुचेता सतीश को 2020 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संजय गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। संजय गुप्ता ये दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टल अवार्ड दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह सम्मान इनको दिया गया है। दीपिका पादुकोण भी एक वक्त ऐसा था जब डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम हुई थी और जब वो डिप्रेशन से बाहर आई तो उनको इस चीज का एहसास हुआ कि वो सिचुएशन कितनी खराब होती है। तो लोगों को अब वो मोटिवेट करने लगी कि कैसे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए लोगों को मोटिवेट करने लगी। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं दीपिका पादुकोण भारत के अंदर, याद रखेंगे। और इन्हीं को सम्मानित किया गया है
क्रिस्टल अवार्ड के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड कोलोगनी, कोलोगनी स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में शहर है कोलोगनी, वहीं पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहां पर हुई थी? वो दावोस में हुई थी, वो भी स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न लेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहां पर देखेंगे ये इंडिविजुअल कैटेगरी की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये जो दिया गया है वो दिया गया है कुमार मुन्नान सिंह को। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अच्छा, ये तो इनको दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें संस्थागत श्रेणी में, तो ये दिया गया है उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र को, यानी आप उत्तराखंड मिटिगेशन, सॉरी उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को दिया गया है ये इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। तो ये भी याद रखेंगे, अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करी जाए तो कुमार मुन्नान सिंह को दिया गया है, और इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में बात की जाए तो उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, और इस झांकी में होता क्या है? भारतीय शिल्प कला संस्कृति आदि का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि सबसे बेहतर तरीके से असम ने किया था, तो असम रहा है टॉप पर। अच्छा, सेकेंड प्लेस पर कौन रहा था? तो दो स्टेट सेकेंड प्लेस पर रहे थे, एक रहा है उड़ीसा, दूसरा रहा है उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है भारत में, 71वां गणतंत्र दिवस, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। अगला प्रश्न लेंगे, राज्य ने किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर की गई है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये अवार्ड्स की स्थापना की गई है। और आपको पता होगा पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण 2019 में किया गया था। कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया था। 182 मीटर की वो प्रतिमा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं, सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी गुजरात में ही किया गया, और उस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 50 फीट है, और उसका अनावरण भी गुजरात में किया गया, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। तो ये दोनों चीजें आप यहां पर याद रखेंगे, सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की, जहां जिसको नर्मदा जिले में स्थापित किया गया है, और दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा 50 फीट की है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित की गई है सरदार पटेल की। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किसे प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है MS स्वामीनाथन को और डॉक्टर जी मुनि रत्नम को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों को ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर डॉक्टर मुनि रत्नम की बात करें तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि MS स्वामीनाथन का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं और भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ये 2020 में किया गया है, अवार्ड 2019 का है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप 2019 वाला क्यों बता रहे हो, ठीक है, इसका रिलेशन जो है वो 2020 से ही है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार की बात करें तो ये प्रिय दर्शनी गोविंद को दिया गया है। अच्छा, ये है नृत्य कला निधि। अगर संगीत कला निधि की बात करें तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 वो दिया गया है S सौम्या को। दोनों चीजें याद रखेंगे अलग अलग। अगर नृत्य कला निधि पूछा जाएगा तो प्रियदर्शनी गोविंद है, और संगीत कला निधि पूछा जाएगा तो वो है S सौम्या, उनको दिया गया है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर हम बात करें नृत्य कला निधि के लिए प्रियदर्शनी गोविंद को, तो प्रियदर्शनी गोविंद जो है वो तमिलनाडु के एक शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पारंगत है, यानी भरतनाट्यम जो है ये करते हैं।
अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दो लोगों को सम्मानित किया गया है। एक है कृष्णामाचारी श्रीकांत, ये पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, और अंजुम चोपड़ा, ये महिला क्रिकेटर हैं, पूर्व महिला क्रिकेटर। तो दोनों को ही यहां पर सम्मानित किया गया है इस सम्मान से, और ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है ये वाला अवार्ड, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो ये आर रामानुजम को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी अवार्ड 2020 से। और बात अगर करें आर रामानुजम की, तो ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न लेंगे, किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पीयूष जायसवाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिया गया है पीयूष जायसवाल को। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन, उस पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मालावत पूर्णा ने, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये है मालावत पूर्णा, जो कि तेलंगाना की रहने वाली हैं, और इन्होंने ही ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सिर्फ माउंट विंसन पर चढ़ाई नहीं की, इसके अलावा जितनी भी दुनिया की सर्वोच्च चोटी है उन पर चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और ये सारे रिकॉर्ड इन्होंने 18 वर्ष की उम्र तक बनाए हैं। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा कि मालावत पूर्णा ने माउंट एवरेस्ट पर, जो कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, 2014 में ही इस पर फतेह हासिल कर ली थी। माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, 2016 में फतेह हासिल की। माउंट एल्ब्रुस पर ये चढ़ी, यूरोप की जो कि सर्वोच्च चोटी है, 2017 में। माउंट एकांगुआ पर भी इन्होंने विजय हासिल की, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये 2019 में विजय हासिल की। फिर माउंट कार्टेंस, इस पर भी इन्होंने चढ़ाई की है, और ये ओनेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा इन्होंने माउंट विंसन मैसिफ, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर भी इन्होंने विजय। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी भाषा विशेषज्ञ द्वारा किस शब्द को दशक का शब्द चुना गया है, यानी वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है? तो ये चुना गया है वर्ड दे को। किस वर्ड को चुना गया है? दे को वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों की तरफ से। अच्छा, यहां पर वर्ड ऑफ द डिकेड की बात हुई है, तो हम 2019 के वर्ड ऑफ द ईयर की भी बात कर लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना था? तो वो चुना था संविधान को। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना था? तो वो चुना था क्लाइमेट इमरजेंसी को। तो दोनों वर्ड यहां पर आपको वो भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न लेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। अच्छा, बात यहां पर बीसीसीआई की हुई है, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो वो है गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह। अच्छा, बीसीसीआई ने कई और भी अवार्ड दिए हैं जो कि एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे यहां पर कवर करेंगे। तो देख लेते हैं और कौन से अवार्ड हैं जो एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये दो लोगों को दिया गया, एक कृष्णामाचारी श्रीकांत है, दूसरे हैं अंजुम चोपड़ा, इन दोनों को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और अगला अगर हम यहां पर बात करें तो पॉली उमरीगर अवार्ड, ये जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया है, इसके बारे में जस्ट हमने बात की, तो ये मेंस वाले में दिया गया। विमेंस की बात करें तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के अवार्ड किसको दिया गया? तो ये पूनम यादव को दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अवार्ड की बात करें तो दिलीप सरदेसाई अवार्ड फॉर हाइएस्ट विकेट इन टेस्ट क्रिकेट 2018-19 के लिए, ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। चेतेश्वर पुजारा को भी एक अवार्ड दिया गया है, दिलीप सरदेसाई, ठीक है, और ये हाईएस्ट रन गेटर यानी सबसे ज्यादा रन लिए हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2018-19 में, इसी के लिए इनको दिया गया। बस इतने अवार्ड यहां पर याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ और हैं लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न लेंगे, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019
किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पुरी को। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा। पुरी उड़ीसा का एक जिला है, इसे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आमिर खान ने सम्मानित किया, तो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हम लोग एक और ऐसा ही अवार्ड पढ़ चुके हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवार्ड 2020, वो दिया गया था असम के डिब्रूगढ़ को, और यह है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019, ये उड़ीसा के पुरी जिले को दिया गया है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, 2018 की बात करें तो ये कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया है, लेकिन दो वर्ष के अवार्ड दिए गए हैं। 2017 वाला सुमन कल्याणपुर को दिया गया है, ये एक सिंगर हैं। 2018 वाला कुलदीप सिंह को दिया गया है, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, किस भारतीय वैज्ञानिक को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर शाक्य सिंह सेन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इन्हीं ये अवार्ड रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है 49 बच्चों को, और ये रिसेंटली अभी राष्ट्रपति जी ने इन बच्चों को स्वयं सम्मानित किया था। और ये जो अवार्ड है ना, ये इनोवेशन की फील्ड में दिए जाते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो वीरता के लिए, इनोवेशन के लिए अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, लाइक कोई मशीन उन्होंने बना दी है जो समाज के लिए कारगर है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने किसी एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किसे केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो केरल मीडिया के राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है एन राम को। तो याद रखिएगा, केरल का मीडिया अवार्ड है ये, जो कि एन राम को दिया गया है। और एन राम कौन है? तो ये द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन है, द हिंदू अखबार आप भी पढ़ते होंगे, उसी की ये चेयरमैन है, और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखिएगा, एन राम, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इन्हीं से मिलता जुलता होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर एन कुमार को, और डॉक्टर एन कुमार, ये इनको दिया गया है छात्रों को कृषि की ओर प्रेरित करने के लिए। और डॉक्टर एन कुमार हैं कौन? तो ये तमिलनाडु विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, और इन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये है डॉक्टर एन कुमार, और इस क्वेश्चन के पहले हमने जो पढ़ा था वो है एन राम, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2019 कौन सा शब्द चुना गया है। और इंग्लिश वाला मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्लाइमेट इमरजेंसी। हिंदी वाला कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। अगला प्रश्न लेते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय की ओर से डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कोलकाता विश्वविद्यालय की तरफ से अभिजीत बनर्जी को, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीन लोगों को दिया गया था 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, एक है अभिजीत बनर्जी, दूसरी उनकी वाइफ है एस्थर डफलो, और तीसरे एक पर्सन और हैं जिनका नाम है माइकल क्रेमर। तो तीनों का नाम भी आपको याद रखना है, वैसे आपको याद होंगी ये सारी चीजें, तो 2019 की हैं। तो ये जो कोलकाता विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है अभिजीत बनर्जी को डीलिट की मानद उपाधि से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका ने ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रेन बुक अवार्ड 2019 जीता है? तो ये जीता है जसविंदर बिलन ने, तो यहां पर ऑप्शन नंबर टू करेक्ट होगा। और इन्होंने ये जो अवार्ड जीता है, इनका एक नॉवेल है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो ये जो जीता है या ये रिकॉर्ड बनाया है, वो बनाया है नेपाल ने, तो यहां पर ऑप्शन नंबर
वन करेक्ट होगा। रिसेंटली अभी नेपाल ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था 5340 मीटर की ऊंचाई पर, उसी के बाद नेपाल ने यह रिकॉर्ड बनाया।